बिजनेस साइकिल्स स्टूडेंट्स आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉन्ग रन मैक्रो इकनॉमिक्स में हमने देखा था कि किस तरह से ग्रोथ जो है वो ओवर टाइम उसने लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को अफेक्ट किया है ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में उनके इनकम और उनके लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ लेकिन इवन उन कंट्रीज़ में भी अगर आप देखेंगे कि जो इजाफा हुआ है इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली लेकिन ये इजाफ़ा समूथ नहीं था इसमें कुछ वक्ती उसमें कुछ अप्स एंड डाउनस आते थे तो उनको आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट रन फिनमिना है ऑब्वियसली इसे बिजनेस साइकिल के नाम से इस इस फिनोमिने को हम स्टडी करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में जो पाइनियर स्टडी थी बार्नज एंड मिचल की 1946 में उसमें उसने फाइव मेन पॉइंट्स लिखे बिज़नेस साइकिल के हवाले से उससे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट ये लिखा कि बिज़नेस साइकल्स आर फ्लक्चुएशन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट अ स्पेसिफिक वेरिएबल के बिज़नेस साइकिल से मुराद ये है कि जो फ्लक्चुएशंस आती हैं अप्स एंड डाउनस ये किसी एक इंडिकेटर में नहीं आती किसी एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में नहीं आता रादर ये एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशन आती हैं आल दो जी एक अच्छा इंडिकेटर है जो ओवरऑल इकोनॉमी को कैप्चर करता है लेकिन इसके बावजूद हम देखेंगे कि जीडीपी के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उनमें क्या चेंजेस आती हैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आती है प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आती है तो हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बात करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट वन माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल फिर बिजनेस साइकिल के दौरान फेजेस आएंगी आती हैं एक्सपेंशन होती हैं कॉन्ट्रेक्शन होती हैं इन पर हम बात करेंगे इकोनॉमिक वेरिएबल्स शो को मूवमेंट यानी इन इन अप्स एंड डाउनस के दौरान कोई एक वेरिएबल सिर्फ मूव नहीं करता रादर डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं वो मिलकर मूव करते हैं सो दे हैव रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर ओवर द कोर्स ऑफ बिजनेस साइकिल बिजनेस साइकिल इज रिक्रंट बट नॉट पीरियोडिक इस पर हम बात करते हैं अभी डिटेल में और फाइनली ये कि बिजनेस साइकिल इज परसिस्टेंट हम इन पर वन बाई वन बात करते हैं सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन फर्स्ट क्या बिजनेस साइकिल कैसे कहते हैं कि इकोनॉमी में कभी कंट्रैक्शन आती है ओके okay, और कभी एक्सपेंशन आती है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ओके सो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइंस इन अ कंट्रैक्शन जब कंट्रैक्शन आएगी एग्री इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी आउटपुट कम हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और इस तरह और रिसेशन स्टार्ट हो जाएगा और रिसेशन जो है वो फिर अपने मिनिमम लेवल पर पहुंच जाएगा ओके okay, इसको इस डायग्राम की मदद से आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं हॉरिडेंटल एक्सेस पर हम टाइम ले रहे हैं और वर्टिकल एक्सेस पर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ले रहे हैं ये जो ब्रोकन लाइन है ये लॉन्ग रन पाथ शो कर रहा है कि ओवर टाइम इकोनॉमी जो है अपवर्ड मूव कर रही है ओवर टाइम इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसकी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन द लॉन्ग रन इजाफा हो रहा है लेकिन ये जो अप्स एंड डाउन ये जो सॉलिड करव आप देख रहे हैं उस लाइन के अराउंड ब्रोकन लाइन के अराउंड जो आप देख रहे हैं यह बता रहे हैं कि ये जो लॉन्ग रन में ग्रो कर रही है ये स्मूथ एक लीनियर पाथ पर ग्रो नहीं कर रहे ये उस लीनियर पाथ पर फ्लक्चुएट करते हुए ग्रो कर रही है ठीक है ये अप्स एंड डाउन उसमें आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें टी से तो इसके बाद इकोनॉमी में अपवर्ड ट्रेंड एक्सपेंशन स्टार्ट हो रही है और ये एक्सपेंशन फिर अपने पीक पर पहुंचती है इस पॉइंट पर पी पर पीक पर पहुंचने के बाद फिर इसमें कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है इसमें कमी आना शुरू हो जाती है ये जब अपने मिनिमम लेवल पर आती है इसको हम ट्रफ़ कहते हैं और उसके बाद दोबारा इसमें रिकवरी शुरू होती है दोबारा एक्सटेंशन शुरू होती है एंड सो ऑन दोबारा अपने पीक पर जाती है तो इस तरह से इकानमी फ्लक्चुएट करती है अराउंड इट्स लॉन्ग रन पाथ नॉर्मल पाथ ओके

द सिक्वेंस फ्राम वन पीक टू द नेक्स्ट आर फ्राम वन ट्रफ टू द नेक्स्ट इज आ बिजनस साइकिल बिजनेस साइकिल जिसे हम कहते हैं वो क्या है वो बेसिकली लेट मी शो यू अगेन द डाइग्राम सो बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट थी ये एक टर्निंग पॉइंट है ठीक है इससे पहले इकोनॉमी जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी और इस पॉइंट के बाद उसमें एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है और ये फिर पीक पर पहुँचती है और फिर इसी तरह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन तो एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का ये जो टाइम पीरियड है या एक एक पीक से दूसरे पीक तक इस टाइम पीरियड को हम इस साइकिल को हम एक बिजनेस साइकिल कहते हैं जिसमें इसकी चार फेजेस कंप्लीट हो जाती हैं ठीक है थीके? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है ट्रफ ये इसकी रिकवरी है एक्सपेंशन है ये पीक है इसकी फिर इसकी रिसेशन स्टार्ट होता है और अगेन ये अपने मिनिमम पर आ जाता है सो so, दीज द टर्निंग पॉइंट्स ओके

वो फिर उसको अनाउंस करता है उसकी कमेटी है बिजनेस साइकिल डेटिंग कमेटी वो ऑब्जर्व करती है और फिर वो अनाउंस करती है सो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या था बिजनेस साइकिल का कि ये रिकरेंट होते हैं बट नाट पीरियोडिक रिकरेंट का मतलब ये है कि ये जो फेजेस हैं कि कॉन्ट्रेक्शन है ये जो पैटर्न है कि कॉन्ट्रैक्शन फिर ट्रॉफ फिर एक्सपेंशन फिर peak, ये, ये पैटर्न बार बार आता है ठीक है इस इस कॉन्टेक्स्ट में ये हम कह रहे हैं कि दीज आर रिकरेंट लेकिन पीरियोडिक नहीं है इसका मतलब ये है कि इट डस नॉट अक्कर रेगुलर और प्रिडिक्टेबल इंटरवल्स ये बार बार तो आता है लेकिन हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते कि एक जो है ट्रफ के बाद जो है वो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ट्रफ कब आएगा ठीक है और उसमें कितना अर्सा लगेगा ये अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन ये रिकरेंट है इस सेंस में कि ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं इकोनॉमी बार बार इसको फेस करती है सो बिज़नेस साइकिल इस परसिस्टेंट इससे मुराद ये कि जब डिक्लाइन शुरू होता है तो फिर डिक्लाइन जो है वो परसिस्टेंट होता है डिक्लाइन शुरू होता है तो फिर वो कुछ अरसे तक डिक्लाइन फर्दर उसमें इजाफा होता रहता है इकोनॉमी डिक्लाइन करती रहती है तो इसी तरह से जब एक्सपेंशन स्टार्ट होती है तो वो एक्सपेंशन भी परसिस्टेंट होती है इसलिए टर्निंग पॉइंट्स की जब वो डिक्लाइन शुरू हो गया तो अब वो डिक्लाइन चलता रहेगा तो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जी इसका टर्निंग पॉइंट कब आएगा उसको हम कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं या कैसे हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस फोरकास्टिंग टर्निंग पॉइंट बिकम्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट सो आज हमने बिजनेस साइकिल के हवाले से कुछ बेसिक सी बातें पढ़ी कि बिजनेस साइकिल्स क्या हैं या फ्लक्चुएशनस हैं अराउंड द नॉर्मल पाथ लॉन्ग रन नॉर्मल पाथ ठीक है इकानमी फ्लक्चुएट करती है कभी एक्सपेंशन आती हैं और इसमें कॉन्ट्रेक्शन होती हैं इनके और करेक्टरस्टिक्स हमने देखे क्या है कि ये रिकरेंट होते हैं बार बार आते हैं इकॉनॉमी फेस करती है और ख़ासतौर पर जो इंडस्ट्रियलाइज इकॉनॉमीज़ हैं डेवलप इकानीज़ हैं उनमें ये फिनिना ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट है और ये इसका ये इम्पॉर्टेंट भी इसलिए कि एक्चुअली जब इकॉनॉमी में कॉन्ट्रेक्शन होती है तो फिर डेफिनेटली उससे लोग मुतासर होते हैं ठीक है अनएम्प्लॉमेंट में इजाफा हो जाता है और इस तरह की जो चीज़ें हैं लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो इसलिए फिर इकोनॉमिस्टों का कंसर्न है कि वो देखें कि किस तरह से इनफ्लक्चुएशनस की शिद्द को कम किया जा सकता है इनको किस तरह से रोका जा सकता है तो ये परसिस्टेंट हैं और ये ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने इसके बारे में पढ़े नेक्स्ट में हम इसको जारी रखेंगे थैंक यू